ऋषि कपूर है, मैं विदर्भा रिलेटर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। ये जो एसोसिएशन है ये कंसल्टेंट्स और ब्रोकर्स का एक एसोसिएशन है जो ऑल इंडिया लेवल पर भी है। ऑल इंडिया लेवल के एसोसिएशन का नाम है नेशनल एसोसिएशन ऑफ रिलेटर्स और हमारे नागपुर एसोसिएशन का नाम है विदर्भा रिलेटर्स एसोसिएशन। सर ऐसा है कि अभी जैसे हमारे यहाँ जैसा बोला जाता है रोटी कपड़ा और मकान, तो रोटी कपड़ा और मकान में जितना रोटी और कपड़ा इम्पोर्टेंट है वैसी मकान इम्पोर्टेंट है। अभी बिकॉज कोविड के वजह से बीच में जो 4-5 महीना जो बिजनेस बंद था तो उसके बाद लोगों को जो घर की इम्पोर्टेंस महसूस हुई है उसमें कि भैया घर कितना इम्पोर्टेंट है, अगर हमको घर पे रहना है तो घर हमारा, कई बार हमारा घर हमारा ऑफिस भी है, घर तो हमारा घर तो है ही है। उसके बाद लोगों ने उसको अलग अलग यूटिलाइजेशंस में यूज़ किया हुआ है, अपने बिजनेस करने के लिए यूज़ किया हुआ है। तो आज लोग एक नए तरीके से देख रहे हैं कि जो किराए से रहते हैं उनको लगता है कि हमें नया घर लेना ज़रूरी है और जो ऑलरेडी छोटे घर में रह रहे हैं उनको बड़ा घर लेना ज़रूरी है। तो ये घर की इम्पोर्टेंस ये वायरस कोविड के टाइम से बढ़ गई है इनफैक्ट। और आप देखेंगे तो गवर्नमेंट की भी कुछ पॉलिसीज ऐसी आई है जो काफ़ी पॉजिटिव रही है, जिसमें अगर मैं बोलूँगा तो सबसे पहले इंटरेस्ट रेट्स जो है वो 8% से नीचे हो गए हैं। तो 8% से नीचे हो गए तो एक कस्टमर के लिए वो बेनिफिट हो जाता है कि वो किराए पे रहे, उसके बदले में वही पैसा उसका ईएमआई भरे, लोन का ईएमआई भरे, तो उसको वहाँ बेनिफिट हो रहा है। दूसरा, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने बेनिफिट दिया हुआ है कि आपका स्टैम्प ड्यूटी जो है वो कम हो गया है, तो अराउंड 3% के आसपास है, तो उससे लोगों को बेनिफिट हुआ है। लोगों को वो जो स्टैम्प ड्यूटी का पैसा भरना पड़ता था वहाँ लोगों को बेनिफिट मिला है, तो इस कारण से भी लोग और सोच रहे हैं कि हमने लेना चाहिए। तीसरा, प्रधानमंत्री आवास योजना जो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम था वो भी कंटिन्यूड हो रहा है। तो आज एक आम आदमी के लिए चाहे वो 12 लाख का फ्लैट ले, चाहे 25 लाख का ले, चाहे वो 1 करोड़ का ले, उसके लिए अगर वो फर्स्ट टाइम बायर है तो प्रधानमंत्री आवास योजना उसके लिए लागू है। और जो बजटेड फ्लैट्स है जिसको हम लोग LIG और MIG बोलते हैं, लो इनकम ग्रुप एंड मीडियम इनकम ग्रुप कहते हैं, तो उनके लिए तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। ये तीन बेनिफिट्स एक साथ मिल रहे हैं, लो इंटरेस्ट 8% से कम, स्टैंड ड्यूटी 3%, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो आप देखिए कि एक आदमी जो 15 लाख का फ्लैट ले रहा है, जो एक एवरेज अराउंड 20,000-25,000 रुपये कमाता है, तो उसके लिए तो मतलब ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये चीज़ के लिए। गवर्नमेंट ने जो फैसिलिटी दी है उससे क्या कस्टमर में कुछ उत्साह दिखाई दिए क्या? काफ़ी उत्साह है। इनफैक्ट क्रेडाई भी जो यहाँ पे जो बिल्डर्स लॉबी है उन लोग ने भी प्रमोट किया है, हम जो कंसल्टेंट लॉबी है विदर्भा रियल्टर एसोसिएशन के नाम से हम लोग ने भी प्रमोट किया है। तो कस्टमर्स को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है कि ये बेनिफिट्स का गोल्डन पीरियड है लेने का, तो आप ये इसको यूटिलाइज कीजिए, बेनिफिट्स लीजिए, आपका इस बहाने घर बन जाएगा, आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिलेंगे। तो एक कस्टमर उसके तरफ काफ़ी तरीके से मार्केट विजिट्स बढ़ गई है। अगर आप नोट करेंगे तो अगस्त महीने से बढ़ी थी, बट सितंबर से जब से ये अनाउंसमेंट्स और हुए हैं स्टैंप ड्यूटी के सबके, तो इससे तो काफ़ी बिजनेस बढ़ा है। सब जगह पे इंक्वायरी लेवल्स काफ़ी है। कुछ बिल्डर्स ने लो इनकम ग्रुप के फ्लैट्स भी लॉन्च किए जो 12 लाख से भी फ्लैट है, 15 लाख के भी है, 20 लाख के भी है, तो वो इनकम ग्रुप को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है उस चीज़ में। और नागपुर में गवर्नमेंट की भी ऑफिसेस काफ़ी है, तो गवर्नमेंट ऑफिसेस के जो लोग हैं उन लोग को ये राइट समय लगता है कि हमने इन्वेस्ट कर देना चाहिए। तो इसके कारण मार्केट में अभी फ्लो 2-2.5 महीने से काफ़ी अच्छा है और 31 दिसंबर तक ये फ्लो बढ़ेगा। दिसंबर विल बी वन ऑफ द वेरी गुड मंथ्स फॉर 2020, क्योंकि 31 दिसंबर के बाद वो स्टैम्प ड्यूटी के जो रेट्स है वो डिस्काउंट जो है थोड़ा कम होने वाला है। उनके लिए स्कीम निकाला है फॉर पेंशनर्स कि जैसे अगर मैं रिटायर भी हो रहा हुआ हूँ तो मुझे 70 इयर्स तक अनदर 10 इयर्स जो मेरी जो पेंशन है पेंशन के बेसिस पे, और जो उनके फैमिली में कोई अगर कोई भी काम कर रहा है चाहे वो डॉटर भी क्यों ना हो, तो कुछ कुछ जो ना वो अगर वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं तो उनको उसके लिए भी लोन की बेनिफिट्स उन्होंने प्रोवाइड किए ताकि उनका घर बन सके। तो ये जो बेनिफिट है ये पेंशनर्स भी उठा सकते हैं। ओनली थिंग कि पेंशनर्स को थोड़ा सा एफर्ट्स लेके बैंक्स तक पहुंचना होगा, बैंक से इंक्वायरी लेवल्स करके उस चीज़ में आगे बढ़ना होगा, और बिल्डर्स भी सपोर्ट कर रहे हैं इसमें।
ये जो एक माइंड में है लोगों के कि हमको ब्याज बहुत ज़्यादा लगेगा, ये अभी समझना ज़रूरी है कि गवर्नमेंट ने जो ब्याज है वो 8% से नीचे पे ला दिया है। तो अगर 8% से नीचे पे ला दिया तो इससे नीचे आज की तारीख में जाना इकोनॉमी को देखते हुए इज़ डिफ़िकल्ट। तो जहाँ पहले 9.5% और 10% और 11% तक भी गया था आगे जब पहले, तो आज वो 8% से नीचे, तो इसमें कस्टमर्स को ये सोचना है कि हम ब्याज के दर हमारे लिए अब फेवरेबल है और ना कि अनफेवरेबल, मतलब हमसे उनको बेनिफिट ही मिलेगा लोएस्ट, क्योंकि जितना वो रेंट दे देते हैं उसके बदले में अगर उन्होंने खुद के घर की ईएमआई भरी तो कम से कम उनका खुद का घर बन जाएगा। क्योंकि एक आदमी अगर 15,000-18,000 रुपये का रेंट भरता है या 12,000 रुपये का रेंट भरता है, उसके बदले में वो 15,000 रुपये का अगर ईएमआई भरेगा तो एडिशनल 2,000-4,000 रुपये दे के ही वो उसके पैसे पूरे उसके अकाउंट में सेव हो रहे हैं। तो ये जो इंटरेस्ट का जो बात है लोगों के माइंड में, वो मतलब कहीं ना कहीं वो माइंड से निकलना ज़रूरी है। उसके लिए हम लोग भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और हम लोग भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमसे समझिए या आप बिल्डर से समझिए या आप बैंक के ऑफिसेस में जाके ये समझिए कि आपको ये बेनिफिशियल है, ये ब्याज दर आपके लिए बेनिफिट है। क्योंकि आपको प्रधानमंत्री आवास योजना, मतलब आप समझ जाइए 15 लाख के फ्लैट में 2.5 लाख रुपये का आपको अगर गवर्नमेंट बेनिफिट दे रही है तो आपको 12.5 लाख का फ्लैट पड़ गया, उसके बाद इंटरेस्ट लेवल आपका कम हो गया। स्टैम्प ड्यूटी गवर्नमेंट ने, जैसे अगर 15 लाख के फ्लैट पे भी अगर आप देखेंगे तो कम से कम 50,000 रुपये कम हो गए। तो ये सारे तो बेनिफिट्स अगर आप काउंट करेंगे तो ये तो सबसे अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एक आम कस्टमर के लिए घर बनाने। कस्टमर को ये पैगाम देंगे कि सबसे पहले आप अपनी जो प्रॉपर्टी जो आप माइंड में आपने सोच के रखी आपका, जिसको हम बोलते हैं चाहे ड्रीम हाउस बोले हम लोग, वो इसके लिए आप बाहर निकलिए, आप प्रॉपर्टीज़ जहाँ जहाँ बिल्डर्स की जाके जगह जाके देखिए, एक बार देखेंगे समझेंगे आप स्कीम समझेंगे ये बेनिफिट्स आप समझेंगे तब आप डिसीजन ले पाएंगे। तो रेदर देन जस्ट दिमाग में ये डाल के कि भैया हम इसमें क्या जाना चाहिए क्या, तो बेटर है कि आप लोग पहले मार्केट में देखिए, क्योंकि मार्केट में चारों तरफ चाहे वर्धा रोड पकड़िए आप, चाहे सेंट्रल एवेन्यू रोड पकड़िए, हिंगना रोड पकड़िए, चाहे कुराड़ी रोड, चाहे काटल रोड, सब जगह पे स्मॉल इनकम मतलब जो लो कैटेगरी के भी फ्लैट्स है, मीडियम कैटेगरी के भी फ्लैट्स आए, टाउनशिप्स के साथ आए, जहाँ पे लोगों को बेनिफिट मिला है, गार्डन एरिया मिला है, हॉल मिला है, ताकि आप कम्युनिटी लिविंग हो सके। तो वैसे प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं तो कस्टमर्स ने वो बेनिफिट लेना चाहिए बाहर निकल कर। कस्टमर बहुत से गरीब होते हैं या सरकारी एम्प्लॉयज रहते हैं, रिटायर होते हैं, उन लोगों ने बिल्डर्स के पास जाके कस्टमर को आप बताइए कि कौन से डॉक्यूमेंट चेक करना चाहिए, कई अधिकतर फंस जाते हैं। हाँ जी, तो उसमें कस्टमर ने बिल्डर से लेआउट के या फ्लैट के कौन सा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो चेक करना चाहिए? आपका क्वेश्चन बहुत ही वैलिड है और कस्टमर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में, और उसी दृष्टि में गवर्नमेंट ने भी कदम उठाए हुए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो जो एक एक्ट आया रेरा, वो जो रेरा एक्ट है, हर कस्टमर ने सबसे पहले देखना चाहिए कि जो बिल्डर का प्रोजेक्ट है वो रेरा अप्रूव्ड है कि नहीं। अच्छा, हर बिल्डर को एक गवर्नमेंट एक रेरा नंबर देती है, आप वो रेरा नंबर रेरा के वेबसाइट पे आप लॉगिन करके आप चेक कीजिए कि ये नंबर का प्रोजेक्ट वहाँ पे है क्या, और उस वो वेबसाइट पे उस प्रोजेक्ट के बारे में सारे डिटेल्स है, मतलब लोकल सैंक्शन मिला नहीं मिला, उसको बाकी सेफ्टी नॉर्म्स के सैंक्शनिंग मिले नहीं मिले, उसके हर पेपर क्लियर, डॉक्यूमेंट्स उसके क्लियर, मतलब आपको बिल्डर से भी डॉक्यूमेंट मांगने की ज़रूरत नहीं है, आप वही डॉक्यूमेंट रेरा के वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं अगर आपके पास सिर्फ उस प्रोजेक्ट का रेरा नंबर हो। और वो रेरा नंबर आपको इसलिए मिल जाता है क्योंकि बिल्डर के लिए गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया, जब आप एडवर्टाइजमेंट करते हो चाहे वो कैटलॉग क्यों ना हो, चाहे वो पेपर ऐड क्यों ना हो, चाहे वो डिजिटल ऐड हो, उसमें उसको रेरा नंबर डिस्प्ले करना ज़रूरी है। और नागपुर के बिल्डर्स आज की तारीख में वो कर रहे हैं, दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। मतलब रेरा रजिस्टर्ड है तो सभी कुछ ओके? बिल्कुल, रेरा रजिस्टर्ड है तो उसमें सभी कुछ ओके, फिर भी आपने वो डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद आपने एक बार वो डॉक्यूमेंट्स को स्टडी जरूर करनी चाहिए, या अगर आपके कोई पहचान के कोई एडवोकेट है कुछ है, आपने उसको एक बार पेपर्स जरूर दिखाने चाहिए, ये जस्ट अपने सेटिस्फैक्शन के लिए ऐसे, क्योंकि गवर्नमेंट तो अपना काम कर रही है लेकिन उसके अलावा इंडिविजुअल ने भी अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के बिफोर बाइंग ही शुड डू दैट चेकिंग।